Good morning, everyone. Today we will learn a story. And what is the title? The Dog at the Well. Okay? Now, what happened in the story? Once upon a time, there was a dog and its pups. Okay? Dog tha aur uske pups the. Pups kaun hote hain? Uske chote chote babies the. To उनके घर के पास there was a well. उनके घर के पास एक well था. Well क्या होता है? Well मतलब कुआं. तो dog ने अपने babies को बोला कि उस well के पास आपको नहीं जाना है. Why? Because you might fall in it. है ना? उस well के पास नहीं खेलना है और जाना है क्योंकि आप उसमें गिर सकते हो. But one day, you know what happened? उसमें से एक pup बहुत naughty था और उसने क्या किया? वो उस well के पास चला गया और वहाँ पे एक wall थी. वो उस पे खड़ा हुआ तो उसने जब well में देखा तो उसको अपनी reflection दिखी, है ना? जब उसने well में देखा, well में क्या था? पानी था. Well में क्या होता है? Water, है ना? And when you look into the water, आपको अपनी reflection दिखती है ना? वैसे ही उस pup को भी well में अपनी reflection दिखी और उसने क्या देखा? जैसे जैसे वो कर रहा था ना, वो reflection भी वैसे ही कर रही थी, है ना? तो pup को क्या लगा कि well में एक और dog है जो उसको imitate कर रहा है, मतलब उसको copy कर रहा है. तो pup को बहुत गुस्सा आया कि ये मेरे जैसे क्यों copy कर रहा है. तो पाप ने पता है क्या किया? पाप ने उससे लड़ने के लिए, in order to fight with it, वो well में कूद गया, है ना? कितना बुरा हुआ. और फिर ही the pup started shouting for help and suddenly a farmer came. तभी एक farmer आया and he rescued the pup. उसने पप को निकाला वहाँ से. But that day pup learned a lesson. उस दिन पप ने एक lesson सीखा. क्या lesson सीखा? कि we should always obey our elders. हमें हमेशा अपने elders की बात माननी चाहिए. और जब पप को याद आया कि मेरी मम्मा ने मना किया था मुझे well के पास जाने को, काश मैं उनकी बात मान लेता, है ना? So you should also always obey your elders, okay?